मैं मानसु पांडे आज इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो होगा आज यूक्लिड डिवीजन लेमा पर दिए गए क्वेश्चंस पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पर दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया था। तो इसके पिछले वाली वीडियो में क्वेश्चन कैसा था हम इसको बताते हैं। तो पिछले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ कोई तीन इंटीजर दिया हुआ था, थ्री इंटीजर्स, उन थ्री इंटीजर्स में से कोई एक जो होता था थ्री से डिविजिबल होता था, और ऐसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस्ड पे और क्वेश्चंस कैसे कैसे आपके बुक में दिए होते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग जो ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं या तो आप क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से लगाएं या फिर आरएस अग्रवाल से लगाएं या फिर किसी बुक से क्वेश्चंस लगाएं। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो हम यह कोशिश कर रहे हैं हर एक वीडियो में कि आपको कंसेप्ट दें। यदि आपको कंसेप्ट दिया जाए तो आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे या तो वह एनसीईआरटी बुक में होगा या फिर आरएस अग्रवाल के बुक में, किसी से भी बुक से वो क्वेश्चंस आएंगे तो आप वहां से देख लेंगे। यदि आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व करते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यदि आरएस अग्रवाल वाले बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको वहां भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारा मेन मोटिव ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। यदि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया होगा तो आप नेक्स्ट दिए गए क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी नंबर्स होता है वह या तो किसी नंबर्स का मल्टीपल होता है या तो उस मल्टीपल से 1, 2, 3 ज्यादा होता है। इस वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाकर देखेंगे। आइए, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चंस क्या दिया है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m। कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा तो 2m के फॉर्म होगा, यदि वही ऑड होगा तो 2m+1 के फॉर्म होगा। तो जैसा कि हमको पता है, यदि मैं 4 लिख दूं तो 4 किसके फॉर्म में है, 2×2 के फॉर्म में है, ये क्या है, इवन इंटीजर है। यदि मैं 5 लिख दूं ये क्या है, 2×2+1, ये क्या है, ऑड फॉर्म में है। मतलब किसी भी इंटीजर में यदि 2m+1 जुड़ा है तो वह ऑड होगा और 2m है तो वह इवन होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है और ये 2 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम सबसे पहले एक इंटीजर को लेंगे, कोई एक इंटीजर लेंगे जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना, जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इवन इंटीजर को 2 से ही डिवाइड किया जाता है। और यहाँ क्वेश्चन भी दिया है 2m फॉर्म होगा, 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 2 से ही डिवाइड होगा। इधर 3 का मल्टीपल दिया होता तो हम 3 से डिवाइड करते, 5 का मल्टीपल दिया होता तो हम 5 से डिवाइड करते। तो यहां पर लिखेंगे लेट n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर है तो n को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय किससे, 2। क्यों 2 से कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 2 देन, अच्छी, अब बताइए यदि हम n को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोशियंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तो उसी कोशियंट और रिमाइंडर को हम यहां लिखेंगे देन यम एज कोशियंट, यम एज, यम को हमने क्या माना, कोशियंट, एंड आर एज रिमाइंडर। यम क्या हुआ आपका, क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन तो आना है कुछ ना कुछ, ये थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। तो यहां सोचेंगे यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन यहां पे यम होगा और रिमाइंडर क्या होगा, आर, और जो आर की पॉसिबल वैल्यू होगी
वो या तो जीरो होगी या तो वन होगी, क्योंकि इस टू से छोटी ही आर की वैल्यू कोई ना कोई आएगी। तो जो डिविजुअल करेंगे तो यहाँ पर बाय यूक्लिड डिविजन लेमा क्या लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड डिविजन लेमा क्या होगा, एन इज इक्वल टू टू एम प्लस आर, लिख सकते हैं इसको एम एन इज इक्वल टू टू एम प्लस आर। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन यहां पे होगा वेयर आर की वैल्यू क्या होगी, टू से छोटी होगी, वेयर वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू आर एंड लेस देन टू, और आर की जो पॉसिबल वैल्यू होगी आर इज इक्वल टू जीरो और वन होगी, आर की वैल्यू जीरो और वन होगी। अब मेरे पास दो केस बनेगा, एक केस जीरो में बनेगा और एक केस वन में बनेगा। तो जब हम आर की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यंग का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। केस फर्स्ट, पहले क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में लिखेंगे व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, आप इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। When r is equal to zero, कहां? In equation first. रखेंगे तो क्या होगा, n is equal to 2m plus 0. 2m plus 0 होगा। अब जीरो लिखने से कोई मतलब है क्या, नहीं है। अब देखिए n की वैल्यू क्या आ गई, 2m आ गई। तो जब 2m आ गई तो 2 क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो ये वैल्यू क्या है, इवन है। इस केस में हम बोल सकते हैं कि यंग की वैल्यू क्या है, इवेन है। जब यंग की वैल्यू इवेन है तो यंग भी क्या हो जाएगा, इवेन हो जाएगा। तो लिखेंगे इन दिस केस, इन दिस केस एन इज इवेन। फर्स्ट केस में इवेन हमको क्या मिला, इवेन मिला, यंग इवेन मिला। एक और केस बनेगा, उस केस में क्या होगा, आर की वैल्यू वन रखी जाएगी। तो उस केस में लिखेंगे हम केस सेकेंड, यहां सॉल्व करते हैं, केस सेकेंड। अब केस सेकेंड में देखेंगे तो लिखेंगे व्हेन आर इज इक्वल टू वन, कहां, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या मिलेगा, एन इज इक्वल टू क्या है, एन इज इक्वल टू टू एम प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। अब देखिए यह जो मल्टीपल है, यह जो एन की वैल्यू आई वह टू के मल्टीपल से वन ज्यादा आ गई। टू से वन, टू के मल्टीपल से वन ज्यादा कोई भी वैल्यू है तो वह टू से डिविजिबल नहीं होती है, और जो टू से डिविजिबल नहीं होती है मतलब वह क्या होगा, ऑड होगा। लिखेंगे इन दिस केस, इन दिस केस एन इज ऑड। फर्स्ट केस में हमको क्या मिला, यन इवन मिला। सेकेंड केस में क्या मिला हमको, यन ऑड मिला। तो हमने देखा इस तरह, हमने यन को इवेन में दिखाया फर्स्ट केस में और यन को ऑड में दिखाया। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस, हेंस जो यहाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ है सारा यही हम लिख देंगे, हेंस इवेन पॉजिटिव इवेन, हेंस यहां से लिखेंगे हेंस एवरी पॉजिटिव ये पूरा यहां से लेके यहां से, hence every positive even integer is of the form qm and that every positive odd integer is form of qm plus 1, पूरा लास्ट तक यहीं तक लिख देंगे। इस तरह आपको पूरा क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, देख लेते हैं पूरा कैसे लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये क्वेश्चन से अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, मे बी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, कभी कभी ऐसे लिख देता है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इवन ऑर, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर
ठीक है, इवनी पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, मतलब कि आपको सॉल्व करना है। इसको भी कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन ऐसे लिखा है फिर भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे लिखा है तो उसको आप ऐसे सॉल्व तो कर ही सकते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ भी लिखा हुआ है इवन, इवन होगा मतलब किसका होगा, टू का मल्टीपल होगा, ऑड होगा तो क्या होगा, टू के मल्टीपल से वन ज्यादा होगा। सेम आप इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यन या फिर एन प्लस वन जैसी वैल्यू मान लेते हैं और उस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बट आप इस क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में और समझ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 और 6m+5। कहने का मतलब यह है कि आप शो कीजिए कि जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वह 6m+1 के फॉर्म में होते हैं या फिर 6m+3 के फॉर्म में होते हैं या 6m+5 के फॉर्म में होते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑड इंटीजर सिर्फ इन्हीं के फॉर्म में हो, कोई भी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में भी हो सकता है, 3m+2 के भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी ऑड इंटीजर और भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन कह दिया है कि आप इस फॉर्म में शो कीजिए तो हम इस फॉर्म को ही लेके चलेंगे। अच्छा, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही जान जाइए कि आपको बी की वैल्यू मिल गई है, क्योंकि जो ये 6 लिखा हुआ है यही आपकी बी की वैल्यू है, ठीक है ना। तो ऐसे हम ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एक इंटीजर की वैल्यू पुट करोगे, मानोगे कि लेट एन बी ए इंटीजर, एन को कोई एक इंटीजर लोगे और जब एन को इंटीजर लेंगे तो एन को डिवाइड करेंगे हम किससे डिवाइड करेंगे, इसी 6 से डिवाइड करेंगे, इसी 6 से एन को डिवाइड करेंगे तो फिर यह कोई कोशियंट आएगा और कोई रिमाइंडर आएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा तो मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चंस का। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट एन बी एन इंटीजर, तो लेट एन इज एन इंटीजर, ठीक, एन इंटीजर या फिर पॉजिटिव इंटीजर, यहां पॉजिटिव लिख देते हैं एंड पॉजिटिव इंटीजर, यन कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब यन पॉजिटिव इंटीजर है तो यन को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, वेन वेन एन इज डिवाइडेड बाई किससे, 6, देन, अब देखिए यन को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ न कुछ कोशियंट आएगा और कुछ न कुछ रिमाइंडर आएगा, देन एम, ठीक है, यहां देन यम एज कोशियंट एंड यम कोशियंट हो गया एंड आर एज रिमाइंडर, रिमाइंडर हो गया यहां पर यम जो है कोशियंट हो गया और आर जो हो गया आपका रिमाइंडर हो गया। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू 6m+r, वेयर आर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन क्या, लेस देन 6। अब r लेस देन 6 हो गया तो r की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, r की पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 और 5 हो सकती है। r की पॉसिबल वैल्यू मतलब कि r के प्लेस पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4, 5 आ सकता है, कोई वैल्यू आ सकती है। अब r की वैल्यू को देख के ही हम फाइंड कर सकते हैं कितना केस पॉसिबल बनेगा, कितना केस बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस का मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा,
मतलब ये क्वेश्चन मेरा 6 केस में सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट लिखते हैं, तो केस फर्स्ट लिखेंगे केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, आप इसको इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम आर की वैल्यू रखेंगे व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, कहां इन इक्वेशन, कहां इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू जीरो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने लिखा तो क्या हो जाएगा, ये एन इज इक्वल टू 6m प्लस 0, तो ये 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6m आ गई। फर्स्ट केस में m की वैल्यू 6m आ गई। अब हम केस सेकंड देखेंगे, तो केस सेकंड देखेंगे ऐसे ही हम 6 केस तक लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना, लिखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में क्या देखेंगे, लिखेंगे व्हेन आर इज इक्वल टू 1, कहां इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा हमको, एन इज इक्वल टू क्या, 6m प्लस 1, इसमें मिला 6m, यहां क्या मिला 6m प्लस m। फिर ऐसे केस थर्ड फिफ्थ सिक्स तक ऐसे पूरा केस लिखा रहेगा। लिखते हैं पूरा केस, देखिए हमने 6 केस लिखा। 6 केस में हर एक केस में यंग की वैल्यू अलग अलग आती रही। केस फर्स्ट में 6m आई, सेकेंड में 6m प्लस 1 आई, थर्ड में 6m प्लस 2, 6m प्लस 3, 6m प्लस 4, 6m प्लस 5, हर एक केस में। अब देखिए केस यंग में क्या है, 6m है, तो ये क्या है, इवन है कि ऑड है, ये इवन है, ये क्या है, ये ऑड है, क्योंकि यह 6 के मल्टीपल से 1 जाता है, तो ये ऑड है, ये 6 के मल्टीपल से 2 जाता है, यह इवन है। अच्छा क्यों इवन है देख लीजिए, यह 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 का मल्टीपल है, ठीक ना, यह 2 का मल्टीपल है। देख लेते हैं कैसे, यदि आप यहां से 2 कॉमन करते हो तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 3m प्लस 1। अब बताइए ये 2 का मल्टीपल हुआ कि नहीं, जब 2 का मल्टीपल है तो क्या होगा, ऑड हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ये 2 का मल्टीपल नहीं है यह, तो यह क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, यह 2 का मल्टीपल है। देख लीजिए आप यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3m प्लस 2, भी 2 का मल्टीपल है, यह 2 का मल्टीपल नहीं है। जो जो 2 के मल्टीपल है, ये देखिए ये भी 2 का मल्टीपल है, 2, 3m, तो जो जो 2 के मल्टीपल हुए इवन हो गए, जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो क्या हो गए, ऑड हो गए। आपको यही क्वेश्चन दिखाना है कि 6m प्लस 1, देखिए 6m प्लस 1 क्या है, ऑड है, फिर 6m प्लस 3, 6m प्लस 3 ऑड है, 6m प्लस 5, 6m प्लस 5 ऑड है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में लिख देंगे। सुनिए, यदि इस क्वेश्चन में यहां पर लिखा होता है 3m प्लस 1, 3m प्लस 2 ऐसा कुछ लिखा होता तो हम यहां पर इस 6m के फॉर्म में नहीं लाता, यहां पर हर इक्वेशन जो है 3m के फॉर्म में आता, फिर भी हम उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे उसको देखते हैं, 6 केस के बाद हम इस क्वेश्चंस को ऐसे लिख करके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि 6 केस लिखने के बाद हम लिखेंगे इन केस, देखिए किस किस केस में, इन केस थर्ड फोर्थ एंड सिक्स हमको क्या मिला, एन इज ऑड इंटीजर। एन क्या है हर केस में, देखिए ऑड है क्योंकि 2 से नहीं डिविजिबल है, यहाँ भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए हमने लिखा ये ऑड इंटीजर है। सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 एंड 6m प्लस 5, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन इसके जस्ट नीचे लिख दे रहा हूं, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा।
ये इसी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे हमने इस क्वेश्चन को लगा दिया, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको मैं इसी बेस्ड पे दिया हूँ, आप इस क्वेश्चन को स्वयं खुद से सॉल्व कीजिएगा और तब देखिएगा आपको अनुभव होगा कि आप कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस और भी बुक में आपके दिए होंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे और कुछ हाई लेवल का क्वेश्चंस लेकर आऊँगा सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए मैं दो तीन क्वेश्चंस और लिख दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। आशा करता हूँ यह क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब इससे कुछ एडवांस बेस्ड क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।